देखिए, आज मैंने ये नेक में कॉलर का नेक बनाया है। ये अभी किस टाइप से बनाया है फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने अंदर पट्टी लगाई है। इसमें मुझे एक या दो हुक लगाने हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरा कॉलर कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये मैंने कैसे बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आज वी नेक में कॉलर लगा रही हूँ। तो मैं पहले गले की कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। तो मैं से 3 इंची लिया है। ये देखिए, ये मुझे नीचे एक हुक लगाना है क्योंकि ये यूनिफॉर्म का है फ्रेंड्स। दो हुक लगाऊंगी एक एक इंची के गैप पे। तो मैं इधर 3 इंची की एक पट्टी के लिए गले को रेडी करूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ से मैं 1 इंची ले लूंगी। ये देखिए लूंगी फ्रेंड्स, ये आप ध्यान से देखिए मैं गला किस टाइप से बना रही हूँ फ्रेंड्स। और इधर से भी मैं 1 इंची ले लूंगी। ये देखिए, अब हम एक एक इंची का गैप करते हुए सभी पॉइंट्स को मिला लेना है। ये देखिए, ये मैंने मिला लिया है फ्रेंड्स। इधर भी मिला लूंगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस टाइप का बन जाएगा। अब हम पहले मैं बाहर की कटिंग करूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं अंदर की कटिंग करूंगी, उससे क्या है मेरा नेक रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस टाइप से नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम इधर भी इसको एक निशान लगा लेंगे सेंटर में फ्रेंड्स। वो किस लिए? क्योंकि इस तरह हमारी सिलाई आएगी तो ये हमें यहाँ तक कट लगाना होगा 2 इंची तक, और 1 इंची हमारा फोल्ड का रहेगा फ्रेंड्स। तो इधर मैं पहले ही कट लगा लेती हूँ, देखिए ध्यान से, क्योंकि इधर फ्रेंड्स सिलाई आएगी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं नेक को कपड़े पे अटैच कर देती हूँ। उसके लिए आपको इस टाइप से गले को, जैसे सेम सभी गले बनाते हैं उसी टाइप से करना है। मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी फ्रेंड्स सेंटर में रखते हुए। ये देखिए इस टाइप से। फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्का सा गैप देंगे क्योंकि इधर बीच सेंटर में हमारे सिलाई आनी है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इधर मेरा ज्वाइंट आया है क्योंकि कपड़ा पूरा नहीं था, इसलिए अब मैं 1/2 इंची के करीब एक्स्ट्रा कट कर लूंगी। ये देखिए, इसको भी कटिंग कर लूंगी फ्रेंड्स 1/2 इंची के करीब। मैं इसको फोल्ड कर लूंगी कपड़े को जितना भी, उससे पहले मैं इधर कट लगा लूंगी जिससे कि मुझे फोल्ड करने में इजी रहेगा फ्रेंड्स। अब मैं इसको फोल्ड कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फोल्ड हो गया है नेक। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर दूंगी और इसका मैं सेंटर कर लूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, इसका अब मैं सेंटर कर लूंगी जैसे सभी नेक का करते हैं नॉर्मली, पहले ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने कट लगा लिया है। अब मैं इसको
ड्रेस के साथ में अटैच कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका भी मुझे हाफ करना है, क्योंकि मुझे हाफ में ही इसको, जिससे कि हमारा स्ट्रेट रहे, इसीलिए हाफ करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने हाफ कर लिया है। अब इधर मुझे ये दोनों हाफ को मिला देना है इस टाइप से, और थोड़ा ध्यान से सेंटर देख लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने सेंटर देख लिया है जैसे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इधर हमें जहाँ कॉलर लगानी है वहाँ पे हमें निशान लगाना होगा। तो ये कॉलर फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा लंबी कॉलर नहीं लगानी है, छोटी कॉलर लगानी है। तो मैं इधर थोड़ा छोटा ही निशान लगाऊंगी, क्योंकि लंबी नहीं चाहिए, तो मुझे 2 इंची के करीब चाहिए फ्रेंड्स। वैसे तो हम इसका हाफ करते हैं जितना ये चाहिए, मगर कॉलर ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए, इसलिए मैं 2 इंची पे निशान लगाऊंगी फ्रेंड्स। और उसको देख लूँगी कि एकदम बराबर है कि नहीं है, एकदम बराबर आना चाहिए दोनों साइड। देखिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको जहाँ से हमने मार्क किया है वहाँ से हम सिलाई डालना शुरू करें। ये देखिए फ्रेंड, पहले हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। वहाँ से सिलाई डालना स्टार्ट करेंगे, एकदम किनारे किनारे सिलाई डालनी है फ्रेंड्स। ये देखिए एकदम अच्छे से सिलाई डलेगी। देखिए, जिससे कि नीचे फोल्ड करेंगे तो एकदम वी टाइप का बनेगा फ्रेंड्स। ये हमारा मार्किंग के टाइप आ गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस यहाँ से भी कट करेंगे, थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए पूरे को कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये थोड़ा यूनिफॉर्म का गला है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा छोटा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर से हम किनारे कट कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा फोल्ड करने में इजी रहे। और इधर से भी मैं कट लगा लूँगी, हल्के हल्के कट लगा लेने हैं सिलाई का ध्यान रखते हुए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फोल्ड हो गया है। ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 हुक आएंगे। और इधर अभी मैं एक पट्टी लगाऊंगी फ्रेंड्स, उससे पहले हम इसको बैक साइड के पीस के साथ में, बैक साइड के पीस के साथ में अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम दोनों शोल्डर को मिला करके इसको ज्वाइंट कर लेंगे, थोड़ा फिनिशिंग से दोनों पीस को, गले के और नीचे की पट्टी को मिलाते हुए। अब दूसरे साइड के भी नेक को फोल्ड करके ज्वाइंट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमने ज्वाइंट कर लिया है दोनों शोल्डर को, हमें सीधा कर। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा गला कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो अब हमको ये गले का जो कॉलर है उसके लिए नाप लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम कैसे नाप लेंगे, ये देखिए जहाँ से मैंने ये निशान लगाया है वहाँ से निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए ऐसे घुमाते हुए फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम इसको यहाँ पे उंगली रखेंगे और ऐसे घुमाते रहेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इसका सेंटर जो करा था उतना ले सकते हैं, नहीं तो फुल कॉलर को भी नाप सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए 7 आ गया है और ये मेरा 10 आ गया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, मैं इधर से 1.5 इंची के करीब रखूँगी। ये देखिए, और लंबाई मेरी पूरी रहेगी, वो मैंने नाप ली है, पूरी 10 के करीब है। और इधर से इधर मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से इधर भी लाइन लगाऊंगी एक। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है कॉलर से, और अब हम इसको अटैच कर लेंगे। तो अटैच करने के लिए मैं एक मोटा टांका फ्रेंड्स बीच में से लगाऊंगी, जिससे कि ये मेरे हिले ना। ये देखिए, और अब मैं फ्रेंड्स इसको, ये कपड़े को फोल्ड कर दूंगी फ्रेंड्स, सिल दूंगी इसके साथ में। ये देखिए ध्यान से, ये मुझे बाहर बाहर से सिलना है फ्रेंड्स, अंदर से नहीं सिलना है। मतलब कैनवास के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, उसके किनारे किनारे आनी चाहिए कपड़े को बराबर पकड़ते हुए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके किनारे कट कर लूंगी, जैसे गोलाई में ही कट करने हैं। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी और फ्रेंड्स इसको फोल्ड कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें उल्टे उल्टा, मतलब ये गला हमारा उल्टा रहेगा। ये देखिए, अब उल्टे साइड से इसके बराबर में रखना है जहाँ पे हमारा निशान था, और बराबर में रखते हुए सिल लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था, वो ही जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ही हमें लगाना है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हुए लगाएंगे, ये देखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ हमारे शोल्डर ज्वाइंट हुए हैं, वहाँ पे हमें घुमाते हुए लगाना है, और थोड़ा ध्यान से लगाना है फ्रेंड्स। इधर क्या है, नहीं तो चुन्नटे आ जाती हैं, वो आपको ध्यान देना होगा और आराम आराम से लगाना होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे मैंने घुमाया है मशीन को और आराम आराम से सिल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम कैनवास को थोड़ा अच्छे से सेट कर लेंगे, डबल सिलाई करेंगे। अब मैं सीधा कर लूंगी इसको फ्रेंड्स, और सीधा करने के बाद जो मेरी कॉलर है उसको मैं इस टाइप से सीधे में लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से, ये देखिए। तो चलिए हम लगा लेते हैं इसको पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कॉलर लग के रेडी हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से लगी है, ये मुझे इतने ही पोर्शन में लगानी थी फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, ये मैंने सीधा करके आपको दिखा दिया है। अब हम इसमें पूरे में डबल सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और जो ये मैंने लगाया है फ्रेंड्स, तो इधर मैं एक पट्टी लगाऊंगी, एक पट्टी लगा के इसमें हुक लगा कॉलर के, इधर से उधर से ही मैं स्टार्ट करूंगी, और ऊपर अच्छे से जो हमने मोटा टांका किया था फ्रेंड्स, उसको हम निकाल देंगे, ये वाली जो सिलाई करी है। और इसको जैसे जैसे ये जो हम गले पे सिलाई डालते हैं फ्रेंड्स, वही डालनी है किनारे किनारे वाली, और कुछ नहीं है। ये देखिए, और इधर आने से पहले मुझे एक पट्टी लगानी है फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप से। तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए, इस टाइप से एक फोल्ड कर लेना है, इसके नीचे लगानी है। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, या पहले ही पट्टी को सिल के अटैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से। अब हम इसको घुमा लेंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इधर भी हम कैंची के उससे इधर हमारे हुक आएंगे। अब मैं इसको पट्टी को ऐसे फोल्ड कर दूंगी, ये देखिए इस टाइप से, जिससे कि वो सिले ना। ये देखिए, अब मुझे किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक हमारी स्ट्रेट है। उसके बाद हमारी फ्रेंड्स थोड़ी, ये देखिए ध्यान से सिलाई लगाएं फ्रेंड्स, ये देखिए। अब मैं इधर
एक बार थोड़ा सिलाई को मिला लूंगी।